पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में सहायक कुछ अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पेट की जो बढ़ी हुई चर्बी है वो बहुत सारे बड़े रोगों का कारण है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, और इसके अलावा ज्वाइंट पेन। तो पेट की चर्बी को कम करना बहुत जरूरी है। और एक नाप बताया गया है WHO की ओर से, जिन पुरुषों का पेट का नाप 40 इंच से ज़्यादा है और जिन महिलाओं का 36 इंच से ज़्यादा है, उनको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेट की चर्बी और डायबिटीज़ के रिस्क को लेकर एक अमेरिका में और कई जगह WHO ने भी कई शोध किए हैं। तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों की पेट की चर्बी ज़्यादा है उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन सीक्रेट करनी पड़ती है, और ये कुछ समय तक तो कर लेती है, उसके बाद ये नहीं कर पाती और बंद हो जाता है। तब जो व्यक्ति है वो डायबिटीज़ का मरीज बन जाता है। और डायबिटीज़ और पेट की चर्बी में एक कनेक्शन ये भी है कि फैट टिश्यू से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिनसे शरीर में सूजन आ जाती है। डायबिटीज़ के खतरे के साथ दिल से जुड़ी बीमारियां भी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। फैट जब पिघलकर खून में आ जाता है तो फैटी एसिड यानी लीवर भी बीमार पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक, अगर इन समस्याओं से बचना है तो देखिए आपको अभ्यास तो करने पड़ेंगे, साथ ही साथ खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और खान पान में भी भोजन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले और जिसमें हाई ग्लाइसोमिक इंडेक्स वाली चीज़ों से बचना है, ट्रांसफैट और सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ों से भी बचें, उनका ध्यान रखना है आपको। और बीच में कोल्ड ड्रिंक या फिर फलों का जूस, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनसे भी दूरी बनाएं, क्योंकि ये सब वजन बढ़ाने वाले हैं। तनाव कम करें, नींद पूरी लें, व्यायाम प्रतिदिन करें, क्योंकि व्यायाम आपको इनसे बचाता है। वो अभ्यास में भी बताने वाली हूँ कि अगर पेट की चर्बी है और आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके परिवार में भी अगर ये हार्ट वाली रिस्क हो, ब्लड प्रेशर वाली हो, शुगर वाली हो, तो आप समय रहते पहले ही अपना कम कर लें। जैसे ही आप कम करेंगे, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी, ना आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अपना खान पान बदल लिया, व्यायाम को अपना लिया, अपने स्ट्रेस को कम कर लिया। क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका मानसिक तनाव अपने आप घटने लगता है। और अपने आहार में धूम्रपान और शराब को दूर करेंगे, फल सलाद सब्जियों का बहुत उपयोग करेंगे, यानी इवन दिन भर में 3 से 4 बार, क्योंकि ये एक तो आपका पेट भरेंगे, दूसरे आपको उस तरह के आहार से बचाएंगे। जब आप अपने संग कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो फल पर्याप्त मात्रा में रख के ले जाएं, सलाद की चीजें ले जाएं, खीरा टमाटर ऐसी चीजें ले जाएं, जब भूख लगे तब उठा के खा लिया। तो इससे आपको फालतू की चीज़ें खाने से आप बचेंगे, आपका फैट अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा। बस इन अभ्यासों को जो मैं बता रही हूँ, दिन में 30 मिनट के लिए कभी भी कर ले। वैसे खाली पेट करना जरूरी है, सुबह करो चाहे शाम को करो, पेट खाली होना जरूरी है, क्योंकि भरे पेट से जब भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब क्या करना है ये मैं आपको बता दूँ। करने के लिए बहुत सरल, मैं सरल तो कह सकते हैं, करने में सरल है पर जोर बहुत आएगा पेट पर, और वही आपको करना है क्योंकि आपको वहां का फैट कम करना है। इसके लिए आप अपने मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएं, लेटने के बाद पैरों को ऐसे उठा ले और हाथों को भी ऐसे उठा ले। अब जिस पांव को सीधा करेंगे उस हाथ को भी सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं देखिए 10 तक ही क्यों, लेकिन आपको 10 से काम नहीं चलेगा। शुरुआत बेशक आप 10 से कर ले, क्योंकि एकदम से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा कर नहीं पाएंगे। आप 10 कर लिए, फिर शाम के समय 12 कर लिया, अगले दिन आप 14 भी कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको ये करना है। अब उसके बाद में दूसरा अभ्यास जो बता रही हूँ उसमें आपको रखना ऐसा ही है,
क्योंकि एक तो ये अभ्यास कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रही हूँ, ये दोनों तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको घुटना और सिर ब्रीद आउट करते हुए पास लाना है, सांस भरते हुए दूर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं तो देखिए बार बार बोलूंगी कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं 10 कर रही हूं। आप शुरुआत बेशक 10 से करें, लेकिन फिर उसके बाद आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ज्यादा। जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको एक महीने में 4 से 5 किलो वजन तो कम होगा, लेकिन पेट की चर्बी आपकी बहुत जल्दी से जाने लगेगी, बस उस डाइट के साथ। अब मैं आपको बताऊं क्या करना है। रखना ऐसे ही है, ठीक है, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख लें। पहले हम राइट साइड 10 टाइम्स करेंगे, मैं नहीं करूंगी, आपको बता रही हूं, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में, और इसका भी संख्या धीरे धीरे बाद में बढ़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 तक कर रही हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप अगर 5-5 भी शुरुआत कर रहे हैं ना, आपको तुरंत पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर समझ में आएगा। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी, अगर आपको हार्निया की शिकायत नहीं है तो धनुरासन स्विंग करें। मैं केवल 5 अभ्यास बता रही हूँ जो पेट के फैट को ही कम करेगा। धनुरासन के लिए धनुरासन के पोज में आए, एंकल को पकड़े, बस इस अभ्यास से मैंने अपनी क्लास में 1 7 साल की बच्ची का भी बहुत आसानी से 2-3 महीने में पूरा पेट फ्लैट कर दिया था इसी अभ्यास से। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक ही चीज आप बिना इंस्ट्रक्टर के सामने देर तक नहीं कर सकते, तो आप बदल बदल के करिए, जिसमें आपको अच्छा भी लगेगा और मन लगा रहेगा। और अब एक बात मैं आपसे सीधे होके एक और अभ्यास बता रही हूँ। अगर आपको सर्वाइकल और कमर दर्द नहीं है, बस तभी इस अभ्यास को करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप प्लीज इसको मत करिएगा। और देखिए जो अभ्यास बता रही हूँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी अभी जो कर रही हूँ बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो आप कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको करके बता रही हूं कि क्या करना है। इस अभ्यास से भी मैंने अपनी क्लास में कई लड़कियों का पेट कम किया है, इस अभ्यास से और धनुरासन स्विंग से। तो मैं आपसे बोलूंगी आप करके देखिए, अगर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यंग हैं या बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का तो बहुत आसानी से कम हो सकता है, तो बस आहार को बदले, इन अभ्यासों को करें कम से कम 30 मिनट। लेकिन सीधे आप अभ्यास नहीं कर सकते, उसके लिए पहले खड़े होकर थोड़ी जॉगिंग कर लें, फिर ये अभ्यास शुरू कर दें। तो 30 मिनट भी अगर आप रोज इनको करते हैं तो एक ही महीने में अपने पेट को कुछ न कुछ घटा लेंगे, और 5-6 महीने में तो पेट गायब हो जाएगा, बहुत जल्दी घटेगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अलग अलग अभ्यास भी बताती हूँ, और ये क्यों करना है ये भी बता रही हूँ कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। अगला वीडियो जो मैं बताऊंगी, तो डायबिटीज़ के मरीजों को क्या करें जिससे कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहे, और अगर शुरुआत है तो क्योर हो जाए। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।